नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। तो दोस्तों, हम लोग आज देखने वाले हैं जिस पाइप को फिटअप किया था ओरिजिन, उसी का दूसरा पीस एक बिल्डिंग है, तो उसको बिल्डिंग में करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये भी देख रहे होंगे कि अभी हाफ इंच जॉइंट है ये भी, तो उसी का दोस्तों आज पाइप बिल्डिंग होने जा रहा है। दोस्तों, ऑलरेडी आधा जॉइंट तो हो चुका है, क्योंकि मुझे तो बाद में याद आया कि उसका शूट भी करना होगा, तो मुझे मैं बाद में फिर सडनली मैं निकाला कैमरा और बाद में फिर वो शूटिंग करना चालू किया मैं, तो फिर रिकॉर्डिंग कुछ हो पाया कुछ नहीं हो पाया, पर रूट तो पूरा ही हो गया है। तो दिखाने वाला दोस्तों हूँ मैं आप लोग को रूट, ऑलरेडी पर्चिंग वर्चिंग सब रेडी कर दिया, ऑलरेडी एक रूट मार भी दिया बिल्डिंग, एक तो रूट बिल्डिंग हो भी गया ऑलरेडी, तो दूसरा रूट भी आधा हो चुका ही, आधा ही लगभग आधा हो भी गया है, तो आधा ही रूट बाकी है, तो मैं उतना ही दिखा देता हूँ आप लोग को मैं। और दोस्तों, अभी इसका एक साइड देखिए, एक साइड दोस्तों एक साइड से रूट भी इसका हो गया ऑलरेडी, तो एक साइड से बचा हुआ है, तो मैं इनको जो मेरे हेल्प कर रहे हैं वैसे थोड़ा उसको उनको मैं थोड़ा मोबाइल दे देता हूँ मैं अपना, तो उसके बाद फिर रूट शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, बहुत अच्छा वीडियो आज का है, क्योंकि हाफ इंच जॉइंट में ज़्यादा नहीं मारता हूँ, ज़्यादा नहीं वेल्डिंग नहीं मैं करता हूँ हाफ इंच, क्योंकि हाफ इंच में क्वालिफाइड नहीं हूँ मैं, 1 इंच 2 इंच 5 इंच 10 इंच जो भी होता है, 25-30 इंच जितना होता है, सभी वेल्डिंग होता है, सभी वेल्डिंग मैं करता हूँ, लेकिन ये हाफ इंच जॉइंट में क्वालिफाइड भी नहीं हूँ मैं, वेल्डिंग करता भी नहीं हूँ, पर फिर भी जॉइंट आया है तो मैं वेल्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वेल्डर का काम है सभी जॉइंट को वेल्डिंग करना, इसमें कोई रोक टोक नहीं कि इसको नहीं करना है उसको नहीं करना है, ऐसा नहीं कुछ नहीं है। आप वेल्डर हो तो आपको सभी जॉइंट वेल्डिंग करना ही करना है, क्वालिफाइड नहीं तो क्वालिफाइड हो जाओ आप, मुश्किल नहीं है, पर वेल्डिंग करना है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, लेकिन करना तो है, क्योंकि वेल्डर का काम वेल्डिंग करना ही है, तो वो चीज़ करना ही पड़ेगा आपको। तो दोस्तों, इसमें देख रहे होंगे आप लोग कि सब कुछ रेडी हो गया, आधा जॉइंट भी हो गया, टुकलीट था उकलीट में कटिंग कर दिया ऑलरेडी से मैं। तो दोस्तों, इसको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा आपको मैं, दोस्तों उसको दूसरे आदमी को मैं मोबाइल दे दिया मैं देखने के लिए, ताकि मोबाइल पकड़ के थोड़ा सा रिकॉर्डिंग कर लेंगे, तभी तो मैं वेल्डिंग कर पाऊँगा मैं। तो देखिए दोस्तों, अभी थोड़ा सा मोबाइल का तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब हो सकता है, हो जाए, क्योंकि जब मैं वेल्डिंग करूँगा तो मैं तो पकड़ नहीं सकता हूँ, दूसरा आदमी को मैं पकड़ा दे रहा हूँ मोबाइल, तो वही आदमी फिर बाद में फिर वो मैं बता दे रहा हूँ ऐसे पकड़ना है, ऐसे करना है, तो शायद सही सलामत पकड़ ले मेरे ख्याल से, शायद लगता है सही पकड़ ली है। तो देखो दोस्तों, इतना दोस्तों वेल्डिंग हो गया, बस थोड़ा सा बचा हुआ है वेल्डिंग करने के लिए, तो मैं इसको सरप तक कर लूँ बराबर से, उसके बाद फिर वेल्डिंग शुरू करते हैं। ओके, मैं दे दिया इनको, बाद में फिर मैं वेल्डिंग शुरू कर रहा हूँ। तो आधा तो जॉइंट हो गया ऑलरेडी पहले से ही, तो आधा जॉइंट बचा हुआ है। तो दोस्तों, मालूम होगा कि पहले इसमें बहुत हीट हो गया, जॉइंट हीट है पहले ऑलरेडी, इसके बगल का जॉइंट एक वेल्डिंग हो चुका है और उसके बगल में भी आधा जॉइंट वेल्डिंग हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा जॉइंट बचा हुआ है वेल्डिंग करने के लिए थोड़ा सा। दोस्तों, इतना दोस्तों हीट है कि ये टिप नीचे पकड़ा है, क्योंकि टिप नीचे पकड़ने के बाद में फिर ऑक्साइड मार देगा वो, तो इसके बाद दोस्तों टिप चिपकाना बहुत जरूरी है। दोस्तों, मुंह ढकना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मास्क लगाना अलाउड है इधर, मास्क नहीं लगाएंगे तो आपका हो सकता है कि आपका पास भी ले लें, लेकिन दोस्तों बहुत मोटा है ये, मोटा मतलब ठंडी के टाइम में तो मोटा ही पहनना पड़ता है, मोटा ही बांधना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो बांध रखा हूँ मैं मुँह पे, इसको बहुत मोटा भी है और ये सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है वेल्डिंग करने के टाइम, क्योंकि वेल्डिंग करने के टाइम में सांस को तो कुछ रोकना पड़ता है कुछ हद तक, क्योंकि तभी आपका वेल्डिंग अच्छा हो पाएगा, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगता है जब इतना मोटा बांध रखे हैं तो। पर फिर भी देखते हैं कितने देर तक मैं सांस रोक पाता हूँ मैं, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी फिनिश कर दूँगा इस जॉइंट को मैं बाद में फिर दोस्तों। और दोस्तों, ओनली रूट का मैं इसको मैं दिखा दूँगा वीडियो आपको मैं, क्योंकि रूट और उसके बाद दोस्तों मैं कैपिंग के लिए दूसरा वीडियो लेकर आऊँगा मैं कैपिंग के लिए। तो ऑलरेडी दोस्तों इसका मैं एक वीडियो मैं बना कर रेडी कर रखा हूँ मैं, बस इसको एडिटिंग करना है और बाद में इसको मैं डाल देना है। देखिए दोस्तों, वेल्डिंग शुरू हो गया। दोस्तों, हाफ इंच जॉइंट मूविंग करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जितना भी छोटा जॉइंट रहेगा उतना बार बार उस पोजिशन चेंज होता रहता है, तो पोजिशन जब चेंज होगा तो बहुत जल्दी आपको जल्दी आपको जो पोजिशन है वो चेंज हो जाएगा। इसके बाद तो देखिए बार बार वो चिपक रहा है टेंशन रड, तो टेंशन रड रखा हूँ मैं थोड़ा ज़्यादा थोड़ा बड़ा टेंशन रखा है मैं, तो उसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा हैंड टच तो मार दे रहा हूँ, हैंड टच कर दूँगा तो अच्छा रहेगा हैंड टच में,
तो दोस्तों जो भी वेल्डर वेल्डिंग कर रहे हैं तो दोनों चीज़ सीख लीजिए, आप हैंडरेज भी सीख लीजिए और मूविंग भी सीख लीजिए, क्योंकि मूविंग कैपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, रोड के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मूविंग क्या है, मूविंग बहुत जल्दी फास्ट वेल्डिंग हो जाता है मूविंग से। और हैंडरेज मारने के लिए आपको पैप भी गर्म रहता है और आपको जल्दी जल्दी काम नहीं होता है हैंडटच में, और इतना फिनिशिंग भी नहीं आएगा हैंडटच में, बल्कि मूविंग में आपको फिनिशिंग भी अच्छा आएगा और जल्दी जल्दी वेल्डिंग भी हो जाएगा आपसे। तो इसके लिए कभी भी कोशिश कीजिए कि आप दोनों ही चीज़ वेल्डिंग करने के लिए आपको आते रहे तो अच्छा रहेगा, मूविंग भी और हैंडटच में। हैंडटच दोस्तों बहुत जगह हैंडटच क्या होता है आपको देखिए, जैसे भी हैंडटच है तो हैंडटच ही कभी कभी चलता है ज़्यादा करके, लेकिन मूविंग भी अच्छा रहता है ज़्यादा करके, लेकिन हैंडटच कभी इमरजेंसी के लिए सेवा में आपको काम पड़ेगा। आपको दोस्तों पतला पाइप है थोड़ा, दोस्तों थोड़ा सा बच के दोस्तों फिलर ख़त्म हो गया, फिलर इसके लिए थोड़ा सा बच के थोड़ा सा मैं इसको ग्राइंडिंग कर देता हूँ, ग्राइंडिंग करके फिर इसको पॉइंट बना करके फिर से इसको शुरू करके इसको हम मेल्ट जॉइंट को मेल्ट कर देंगे इसमें। दोस्तों मैं इसका साउंड बिल्कुल जीरो कर रखा हूँ, साउंड नहीं तो साउंड क्या बहुत ज़्यादा साउंड होगा तो भी मुश्किल है, क्योंकि प्लांट का सीन तो प्लांट में बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा शोर है, तो शोर होना भी अच्छा नहीं है। प्लांट में कभी गाड़ी आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ हम लोग ही कुछ उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हैं कभी कभी, बाकी साथ में दो तीन चार आदमी काम करते कोई कुछ कोई कुछ बोल दे रहा है, तो इसके वजह से तो मैं वो साउंड नहीं डाल सकता इस पर, क्योंकि कुछ उल्टा बोला जाए तो भी अच्छा नहीं है। तो बाद में इसको एडिटिंग करते हैं हम लोग, क्योंकि जो भी आदमी होते हैं वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। देखिए दोस्तों मैं अभी चेक किया उसको रूट को कि रूट सही है कि नहीं, तो सही था रूट, कोई दिक्कत नहीं था दोस्तों। ऑलरेडी वो फैब्रिकेशन जॉइंट है तो इसमें आप घुमा घुमा के वेल्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कभी साइड से वेल्डिंग आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों लास्ट चल रहा है, क्योंकि अभी मेल्टिंग करना है ऊपर में टॉप में, बस मेल्टिंग करके बस काम खत्म है इसमें, मतलब रूट हो जाएगा इसके बाद रूट। देखिए दोस्तों कोशिश कीजिए कि आपको जितना ज़्यादा मूविंग कर लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा, फिनिशिंग के लिए अच्छा रहेगा और वेल्डिंग भी अच्छा से आपको आएगा जब मूविंग कीजिएगा तो। पर दोस्तों बहुत दिक्कत होता है, दिक्कत भी होता है आसान भी है, आसान इसके लिए बोलेंगे क्योंकि फटाफट जल्दी जल्दी एक दो जॉइंट मतलब आराम से आप खींच सकते हैं, वेल्डिंग कर सकते हैं, मतलब एक जॉइंट मारने के कितना देर चाहिए अगर जो थोड़ा फास्ट वेल्डर हैं अगर, तो एक जॉइंट मारने के लिए 15-20 मिनट चाहिए क्लास, अगर ज़्यादा जॉइंट है तो, क्योंकि एक जॉइंट थोड़ा है तो ठंडा होने दीजिए थोड़ा उसको, बाद दूसरा जॉइंट पकड़ के थोड़ा दूसरा जॉइंट को वेल्डिंग कर दीजिए। और दोस्तों मेरी राय तो यही है कि कभी भी आप वेल्डिंग काम सीख रहे हैं अगर, तो आप पाइपिंग का काम सीखिए, पाइपिंग का काम में अच्छा रहेगा, पैसा वैसा मिलेगा और नाम भी अच्छा रहता है। देखो दोस्तों अपना सुपरवाइजर मतलब अपना ये फॉरमैन साहब हैं तो भी आ गए हैं, ये रिंग लगाने के लिए बोल रहे हैं, इस भी रिंग नहीं लगाया है, पर मैं बोला कि दोस्तों साइड से घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। देखो दोस्तों अभी ये कटिंग व्हील था, इसको चेंज करके अभी फ्लैट डिस्क बोलते हैं, फ्लैट डिस्क दोस्तों इसको पेपर से होता है, पेपर जैसा होता है उसको हम लोग इसको लगा करके फिर इसको थोड़ा सा अच्छा से इसको, देखिए दोस्तों इससे हम लोग पूरा इसको वाइट कर देंगे, वाइट कर देने से फ़ायदा रहेगा कि कभी भी इसमें जल्द मतलब पूरा वाइट हो जाएगा, और जब कैपिंग करेंगे तो थोड़ा लाइट में थोड़ा आ जाएगा, थोड़ा चमकेगा थोड़ा अच्छे से। इसके वजह से दोस्तों इसको हमने इसको थोड़ा इसको अच्छे दोस्तों इसको हम लोग ग्राइंडिंग कर दे रहे हैं इसको, इसको दोस्तों बोलते हैं फ्लैप डिस्क। फ्लैप डिस्क से क्या होता है, पूरा पेपर जब पूरा इसमें पेपर व्हील रहता है, पेपर व्हील से ही पूरा इसमें पॉलिश हो जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैप डिस्क, यही दोस्तों इसका काम होता है। देखो दोस्तों पूरा वाइट हो गया इस टाइम, देखो दोस्तों पूरा वाइट होने के बाद में फिर से इसको हम लोग थोड़ा ठंडा होने छोड़ देंगे 5 मिनट, उसके बाद दोस्तों फिर कैपिंग करेंगे इसका। तो दोस्तों आपको कभी भी वेल्डिंग के लिए कुछ भी जानना हो तो इसमें दोस्तों लगभग मैं सभी तरह के वीडियो में डाल चुका हूँ इस पर, तो जिस किसी को भी चाहिए इस टाइम तो आइए राजेंद्र कुमार पे सर्च कीजिए, आपको सभी तरह का वीडियो मिलेगा आपको। तो दोस्तों ज़्यादा करके मैं वेल्डिंग का ही फिटअप का ज़्यादा वीडियो में डाला हूँ मैं, लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि जो आपको नॉलेज वाला वीडियो हो वही वीडियो में डालता हूँ मैं,
कभी कभी एक दो वीडियो कभी कभी जैसे मैं डालता हूँ मनोरंजन के लिए, तो दोस्तों होता है। देखिए दोस्तों दोस्तों वो दोस्तों ये वाला जो अभी है जो गेमिंग कर रहे हैं दोस्तों, इसमें वो टाइट किया हुआ वॉइस पे टाइट किया हुआ है, तो कभी भी वॉइस आप लूज करके इसको घुमा सकते हैं, टर्न इधर उधर आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो देखिए दोस्तों वो रूट हो गया, इसका गेंडिंग भी कर दे रहे हैं, गेंडिंग करके दोस्तों फिर से इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद दोस्तों इसको हम लोग फिर कैपिंग करेंगे। दोस्तों थोड़ा दूर से थोड़ा वीडियो लिया रहा है इसके लिए, आपको बराबर समझ में आएगा कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन फिर भी देखिए ध्यान देकर देखिए बराबर ही सब कुछ दिख रहा होगा इसमें सब कुछ आपको, क्योंकि वो जो भाई साहब जो उसको मोबाइल दिया गया है वो थोड़ा दूर में बैठे हुए हैं, तो उसके वजह से तो थोड़ा दूर लग रहा होगा आज शायद आपको आज। देखिए दोस्तों पूरा दोस्तों इसका ग्राइंडिंग हो गया, पूरा ग्राइंडिंग ओके हो गया, तो दोस्तों 10 मिनट 15 मिनट दोस्तों इसका वेट कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों हम लोग फिर से इसको हम लोग जब कैपिंग करेंगे तो दूसरा दोस्तों देखिए दोस्तों पूरा कैपिंग करके उसको देखिए पूरा ग्राइंडिंग हो गया, अच्छा से सब कुछ हो गया, सब फिनिश हो गया, थोड़ा तो बहुत ज़्यादा हीट हो दोस्तों इसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, तो दोस्तों फिर से दोस्तों उसको हम लोग वेल्डिंग करेंगे कैपिंग कैपिंग दोस्तों कैपिंग करने के टाइम दोस्तों दूसरा वीडियो में डाल दूंगा इसके लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो फिर वो वीडियो नहीं चलता है फिर, मतलब नहीं देख पाता है आदमी लोग को अभी, तो उसके बाद दोस्तों मैं सेकेंड वीडियो में डाल दूंगा। तो ओके दोस्तों नमस्कार, फिर दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं, अगले दोस्तों वीडियो में मिलते हैं आपसे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो जरूर दोस्तों वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, मैं शेयर करके दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप। ओके दोस्तों नमस्कार, दोस्तों फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे, आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छा वीडियो लगा होगा आपको देखने के लिए, और दोस्तों कुछ नॉलेज वाला चीज़ आपको हम लोगों को मैं देता हूँ हमेशा, तो इसके लिए दोस्तों कभी भी आपको वीडियो आए तो फुल वीडियो दिखा कीजिए आप लोग, तो आप लोगों को जानकारी अच्छा मिलेगा आपको। ओके दोस्तों नमस्कार, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।